ने परीक्षित महाराज कलिजू को चार जगह पर स्थान दिया, चार ही गंदी चीजें। बोले क्या क्या है? बोले पहला नंबर है दुतम। दुतम का मतलब होता है हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए धर्म अधर्म का जो पहला स्थान है कभी ये झूठ है। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं, वो झूठ को पर झूठ बोलते हैं। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में पत्नी की विवस्त्र देखना पड़ा और 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल हमने अज्ञातवास में बिताए। इसलिए जीवन में कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा नंबर है पानम। पानम मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। माताएं चुपचाप बैठ जाओ, देने लेने वाले ए सब बैठ जाओ, चुप कथा सुनो, अभी 5-10 मिनट कोई खड़े मत हो, सब चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, चरस, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। गुटखा भी गंदी चीज है, हैं? इसको कैंसर होता है। इसलिए गुटखा का पहला अक्षर क्या? गू। ये गुटखा नहीं, ये गू है। इसलिए जिसने ये गुटखा का कंपनी खोला था वो स्वयं कैंसर बीमारी में मरा है और दुनिया को कैंसर में मरवा करके वो गया है। इसलिए अगर गुटखा लो तो दिन भर मुंह में क्या रहता है? झूठा रहता है। हम कोई खाना खाने के बाद मुंह धोते हैं, अगर दिन भर अगर बकरी जैसे गुटखा खाते रहे फिर तो दिन भर फिर मुंह तो झूठा रहा। इसलिए ये गुटखा फुटका नहीं लेनी चाहिए। और जो चाय है ना, ये चाय भी गंदी चीज, ध्यान से सुनो, ये चाय भी अच्छी चीज नहीं, उसमें निकोटीन और कैफीन डालते हैं। जैसे शराब पीने वाला अगर शराब पीने का समय आए, अगर नहीं आए तो बेचैनी से हो जाते हैं। देखो जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय पीने का समय आए अगर नहीं पिए तो सर दर्द हो जाता है, क्योंकि उसमें कैफीन और निकोटीन डाला हुआ है। पीना तो हर्बल टी पियो, गोकुल टी, प्रज्ञा, जो हेल्थ के लिए अच्छा है ये चीज को हमें लेनी चाहिए। रामदेव बाबा का योगा देखो, एकदम चाय लेने के लिए एकदम मना करते हैं, कहते इसको लेने से गैस्ट्रिक होता है, हैं? खाली पेट में चाय नहीं, हमें पानी पीनी चाहिए, दूध खाओ पियो और मट्ठा पियो ना। इसलिए ये भी गंदी चीज है, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, उसको लेने से तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा चीज है स्त्रियों। कहते स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री से और स्त्री जो पुरुष से मिलते हैं, संसार करो शादी करके, पति पत्नी शादी करो, हैं? बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शास्त्र इसको एकदम मना करता है, हैं? ये सब चीज को हमें नहीं करनी चाहिए। संसार करो तो शादी करके, पति पत्नी मिल करके धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन को बिताओ। धर्म का जो तीसरा जो चरण है कहते ये पवित्र, इसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है कहते जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब होता है किसी मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये प्याज लहसुन भी कोई बात मत करो, जो बात करते ना उस कान पकड़ कर बीच में खड़े कर दो उनको। इसलिए कहते ये प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। मैंने पहले आपको बताया था, हाँ ध्यान देकर सुनो, पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे। गैया गो, गैया हमारी देवता है, माता है, इसलिए अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती तो उसको मारने नहीं देते थे। ऋषि लोग यज्ञ करके गैया को आहुति डालते थे, लेकिन इनको पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जब दो बार मंत्र पढ़ते थे वो बूढ़ी गैया फिर जवानी बन करके निकलती थी। एक समय कोई गैया बूढ़ी हो गई, उनको यज्ञ के अनुष्ठान की गैया को बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने ये लाल लाल मांस दे करके खाने की इच्छा हो गई,
देखा सबको सामने खाए कैसे, बोले छुपा दो, राख में छुपा दी, सबके सब ऋषि मुनि लोग डाले। ऋषि जब मंत्र पाठ की वो बुढ़ी गया एकदम जवानी बन करके निकली, लेकिन जिस अंग का मांस को उन्होंने छुपाया था वो भरा नहीं, एक घा बना हुआ। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा किसने ये मांस खाने के लिए किसने इसको गाड़ करके रखा है। उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिया, मांस जैसे लाल लाल रंग की, ये प्याज भी लाल लाल रंग की बनेगी। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, ये प्याज में भी वैसे बदबू आएगी। अब देखो कच्चा मांस खाओ, कच्चा प्याज खाओ, मुंह से बदबू मारेगी। यहाँ पर प्याज काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, प्याज को काटो आंखों से आंसू आ जाती है। जैसे नवरात्रि आती है ना, देखना 9 दिन तो कोई भी प्याज लहसुन को खाते नहीं, क्यों? ये माता जी को पसंद नहीं, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना, फिर खा करके फिर उनको नाराज करो? इसलिए 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता, जो चीज देवा देवी को पसंद नहीं, वो चीज भी हमें पसंद नहीं आनी चाहिए। हमने सुना यहाँ के ब्राह्मण लोग भी कुछ कुछ तो अच्छे हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, कोई कोई फिर प्याज लहसुन खाना शुरू कर देते, नहीं, बड़े भाग्य से ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है। कहते वर्णा नाना ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जिनकी चरण की अभी देखा ना, सुदामा जी की कृष्ण स्वयं चरण पूजा करते हैं। कहते नमो ब्रह्मण देवायो, कृष्ण बांके बिहारी ये ब्राह्मण का गुरु है, जगत गुरु है ब्राह्मण लोग। बड़े भाग्य से ये ब्राह्मण घर में कहीं हमें जन्म मिला है, इसलिए हमारी संस्कार को हमें कभी खराब नहीं करनी चाहिए। अगर आपने प्याज को अगर रुस्से में डाल दिया तो फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। और हमारी मनुष्य संहिता में बताए, स्वान बिष्टा समच अर्ण निरंच सूर्या सम, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, कहते वो कुत्ते की बिष्टा के बराबर है। स्वान बिष्टा बोले जो पानी, कहते शराब पेशाब का साथ में बराबर है, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। ये सुदामा देख रहे ना, ये सुदामा इतने गरीबी क्यों बना, आपको पता होगा जब कृष्ण सुदामा गए थे गुरु गृह में, एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया, बोले देख कृष्ण को देख रहे खाई हो, लेकिन ये पेड़ में चढ़ करके ना छुप छुप कर खाए। इसलिए ठाकुर तो सब जानते हैं, बोले इसका दंड तेरे को भोगना पड़ेगा। इतने गरीबी बने घर में खाने के लिए तरस है, लेकिन धनी का बने ठाकुर, जब ठाकुर को पास में गए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर के, ठाकुर जब 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए, जब ठाकुर जी 3री मुट्ठी खा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं आपने 2 मुट्ठी खा लिया मतलब इसको घर में सारे राज ऐश्वर्य जो पहुंच गया, अगर आप 3री मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी इनके घर में दासी बन जाऊंगी। सुदामा जब घर में आया, सोने की महल, हजार हजार दासियां सेवा कर रही थी इसके घर में। सुदामा बोले भैया मैं कहाँ आ गया, ये राजमहल कहाँ से आ गई? इतने में उसकी पत्नी सुशीला छत को ऊपर से देखी, अभी आरती उतारने के लिए आई, बोले ये राजकुमारी मेरे को आरती उतारने के लिए क्यों आ रही? इतने में सुदामा पीछे पीछे हट रहे थे, इतने में सुशीला कहती कहाँ हट रहे हो, बोले तू है कौन? बोले मैं आपकी वही सुशीला। बोले ये क्या है? बोले ठाकुर की 2 मुट्ठी चिड़वा खिलाए ना, ठाकुर त्रिभुवन का राजा दे दिया है। अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना, घर में लक्ष्मी आएगी, अगर बिना भोग लगाओगे तो लक्ष्मी घर से चली आएगी। क्योंकि हम जो कुछ खरीदी करते पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की, जब वो चीज ठाकुर को सेवा में लगे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। बताओ लक्ष्मी कौन नहीं चाहते, दुनिया लक्ष्मी चाहते। इसलिए क्या करना, प्याज लहसुन को त्याग दो, जहां पर हड्डी काट दिया वहां लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून की बूंद गिरा वहीं पर मसूर डाल पड़े। इसलिए ये तीज को पहले जो बड़े बूढ़े उनको पूछ लो, ये 3 चीज को कोई घर में नहीं घुसाते थे। आप बोलोगे घर में आया कैसे, बल्कि ये मुगल लोगों ने, मुसलमान लोगों ने लाया है, ये सब मुसलमान लोगों ने लाई ये सब चीज को। और धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, पहले प्याज खाना शुरू करेंगे, फिर अंडा खाना शुरू कर देंगे, फिर मांस ले आओ, फिर मदिरा ले आओ, बस हो गया, घर स्मशान भूमि बन गए। इसलिए ये सब चीज से दूर रहो। आप लोग विशेष करके यहाँ पर ब्राह्मण समाज है, आपसे प्रार्थना है ये सब चीज से दूर रहो। घर में जो कुछ खाओ
ठाकुर जी को भोग लगाओ तुलसी पता से, लगाने पर प्रसाद हो जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस उपजायते, जो मेरे को भोग लगा कर खाते हैं जीवन का सब दुख कष्ट दूर हो जाता है। भगवान खुद कहते हैं बात को। अब बताओ दुख चाहते ना सुख चाहते घर में, बोलो कौन सुख चाहता है घर में, हाथ उठाओ कौन जीवन में सुख शांति चाहते हो। अगर हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम, मेरे को जो भोग लगाएगा समस्त दुख से वो दूर हो जाएगा हैं। इसलिए भगवान को भोग लगा करके खाया करनी चाहिए। कहते ये चार चीज को हमें त्याग देनी चाहिए और चार चीज को जीवन में जोड़नी चाहिए। बोले चार चीज को क्या क्या जीवन में जोड़े, पहला नंबर है एकादशी व्रत जरूर रखा करो। मैंने पहले बहुत एकादशी के बारे में बताया, ये एकादशी को कल्पतरु व्रत बताए। अगर आपको घर में कहीं एकादशी व्रत की कथा हो गया पढ़ करके देख लेना, कहते जो कुछ एकादशी व्रत करके मांगोगे एकादशी सब कुछ दे देगा। जिसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र द एकादशी करो घर में पुत्र आएगा। जिनके घर में पैसा की कमी है, एक एकादशी का नाम इंदिरा मतलब लक्ष्मी, वो एकादशी करोगे तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, उसको ग्रहण करने से जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। एक एकादशी का नाम अर्णदा, जिसको करने से घर में अर्ण सस्य खूब आएगी घर में। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करोगे तो सब जगह में तुम्हारी विजय विजय होगी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से संसार चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी। हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, एकादशी करने से सब कुछ मिलती है। इसलिए भागवत में जैसे कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बृहस्पतिवार, जैसे कोई व्रत रखते हो अलग अलग व्रत, लेकिन ये भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है। ये सारे ग्रंथ किसने लिखे हैं, व्यास देवज ने, सारे ग्रंथ व्यास देवज ने लिखे हैं। लेकिन इन्होंने सारे ग्रंथों को लिख करके उनको शांति नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रचना किए तभी उनको शांति मिली है। इसका मतलब है भागवत में जो बात बताई गई अगर इसको करेंगे तो हमें भी जीवन में शांति और सुख हमें भी मिलेगा। ठीक है, एकादशी व्रत जरूर करना। दूसरी चीज है घर घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। किसको घर में तुलसी वृक्ष है, हाथ उठाओ तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसलिए तुलसी वृक्ष, क्योंकि भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए, अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए, बोले तुलसी वृक्ष में छोड़ कर गए। हम लोग बोलते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन जहां पर तुलसी वन वहीं पर वृंदावन। इसलिए भागवत में बताए तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन नीच, जिस घर में तुलसी वृक्ष है उसी उसी घर ही वृंदावन। देखो कितना सुंदर तुलसी पौधा लगाई हमारे हैं श्री लाल प्रभु जी, कितना सुंदर तुलसी वृक्ष है। इसलिए घर घर में, इसलिए कहते हैं ना आली मोहे लागे वृंदावन हनी को, आली मोहे लागे वृंदावन हनी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, हरे हरे तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन को दुंदनी हरे मोरे लागे घर में जरूर तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। सवेरे नहा धो करके जरूर तुलसी में पानी दो। कौन कौन पानी देता हो, सही सही बोलो, हाथ उठाओ कौन सवेरे उठ करके पानी देता हो। जो देते हो बहुत अच्छी बात, जो नहीं देते हैं ना आप लोग भी तुलसी में पानी दो। देखो अभी जो कोरोना आया था ना, रामदेव बाबा ने कोरोना नहीं निकाला, सबसे पहले रामदेव बाबा निकाली। आप उसको पढ़ करके देखो, उसमें 80% तो तुलसी है और 20% दूसरे दूसरे मेडिसिन है। इसलिए हमारी जो पूर्व जैसे माता लोग बैठे हो, अभी साइंटिस्टों ने रिसर्च करके अब दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम है तुलसी पावर। बात मत करो ए, इसलिए उसका नाम है तुलसी पावर। आप मेडिसिन ढूंढना दुकान मेडिसिन शॉप से,
इतना बड़ा शीशी मिले, बोतल मिलेगा, आप उसमें एक पर्चा होगा वो पढ़ करके देखना, दोष बीमारी की प्रतिषेध का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, दोष बीमारी, ऐसे कोई बीमारी नहीं। मैंने देखा एक माता जी को कैंसर हो गया था, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, किसी उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए, बोले तुलसी पत्ता को खाया करो, जूस पियो, उसको कैंसर सही हुआ। इतने मेडिसिन है, इसलिए हमारे भारतीय लोग देखो जो जो वृक्षों को हम लोग पूजा करते हैं ना, वो सब साइंटिफिकल रीजन है। बताओ कौन सा वृक्षों को हम लोग पूजा करते हैं हिंदुओं में? एक पीपल पेड़ को, तुलसी पेड़ को, नीम वृक्षों को। अब देखना जो वृक्ष है ना दिन में ये क्या ऑक्सीजन देता है, क्या देता है? ऑक्सीजन, और लेता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन जो दो चार वृक्ष का जो नाम बताया ना, ये वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन ये रात में भी देते हैं। इसलिए हिंदू लोग जो पेड़ को पूजा करते हैं ना, वो बड़े साइंस युक्त हो, कहते हैं हिंदू लोग अपना आंगना में तुलसी पौधा क्यों लगाते हैं, कारण क्या? यही है, ये वृक्ष ऑक्सीजन देता है, हैं? इसलिए कहते हैं इसमें ऐसे कुछ मेडिसिन है, जहां तुलसी वृक्ष रहेगी जितना दूर तक तो इसकी वातावरण जाएगी वहां पर कोई बीमारी नहीं आएगी, जहां पर ये तुलसी वृक्ष रहेगी वहां पर कभी वज्र नहीं गिरेगी, कभी नहीं वज्र गिरेगी, 100 मीटर दूर पर वो वज्र जाकर गिरेगी, क्योंकि ये साक्षात माँ लक्ष्मी है। अब देखना सालोग्राम को साथ में तुलसी की शादी होती कि नहीं, ये तुलसी कौन है? लक्ष्मी है, और उसमें सारे मेडिसिन इसमें बांके बिहारी कृष्ण है। इसलिए क्या करनी चाहिए? गले में तुलसी की कंठी जरूर पहना करो, गले में जम। स्वयं कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं मेरे पास में मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा? उन्होंने उदाहरण देकर बताए, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते होते हैं विशेष करके शहर में, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं, देखना उसको कोई कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। और जिनके गले में पट्टा नहीं है ना वो फालतू है। इसका मतलब है अगर हमारी गले में तुलसी कंठी है ना, हम किसकी पालतू है? बांके बिहारी की। जम हमको नहीं लगा, जम है वो जम कभी नहीं लगा गले में जिसकी तुलसी की कंठी होगी। इसलिए जरूर गले में तुलसी की कंठी पहना करो। जो कंठी पहन करके स्नान करते हैं, ये पानी सारा शरीर में जाती है, बहुत बीमारी निकाल देती है, और सारे तीर्थ में नहाने का फल मिलती है। इसलिए हम लोग बड़े, कभी वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाओ। तो वहां पर अंग्रेजी मंदिर में जाकर के देखना, हम तो भारत के लोग है, जो विदेशी लोग है ना, जब तक साइंटिफिकल रूप में कोई चीज को उन्होंने प्रूव नहीं करते उसको पहनते नहीं। अब जाकर के देखना उनके गले में कितने कितने मोटी मोटी तुलसी माला अंग्रेजी लोग धारण करते हैं, क्यों? उनको पता है इसमें बहुत सारी मेडिसिन। इसलिए आप लोग गले में जरूर तुलसी कंठी पहना करो, और जो तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक को भी लगाया करो, हैं? ये उर्ध्व पुंडर तिलक ऐसे लगानी चाहिए, ऐसे नहीं फोटा लगा दो, नहीं। भगवान राम जैसे लगाते हैं, कृष्ण जैसे लगाते हैं, नारायण जैसे लगाए, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, तिलक कैसे लगाए, वो फोटा तिलक नहीं लगाते हैं। जो भगवान को निराकार मानते हैं वो लोग लगाते हैं, हैं? इसलिए भक्ति करने वाले उर्ध्व पुंडर तिलक धारण करनी चाहिए। ये ब्रह्मा बीच में विष्णु, ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल दिया है। इसलिए देखना जब ब्राह्मण घर में आता है, जब तक आपको तिलक नहीं लगाएगा पूजा ही नहीं करेगा, बोले क्यों? तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। इसलिए और ये जो तिलक हम लगाते हैं, देखो ये गोपी चंदन है, वो द्वारका से आता है, जहां तहां ये चंदन आपकी नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें तिलक लगाने का बड़ा महत्व है। नारायण को देखो किस चीज में तिलक लगाए, देख लेना। कृष्ण को देखो, राम को देखो किस चीज में तिलक लगाए, ये ब्रज रज से तिलक लगाए ठाकुर जी। हनुमान जी को देख लेना कैसे तिलक है, वो ब्रज रज से, इसी चीज में ही ये सबके सब तिलक लगाते हैं। इसलिए जरूर आप लोग तिलक लगाए करो, गले में तुलसी की कंठी पहनो। अपनी आप पहने तो लाभ है, लेकिन नियम है किसी साधु के हाथ से जब ये चीज लेते हैं ना, इसकी विशेष महत्व है। जब किसी संतों के हाथों से ये तुलसी कंठी हम धारण करनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है, भगवान की नाम में हमारी रुचि होनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम को जरूर करनी चाहिए। कल चारी बहुओं की कथा सुना रहे थे ना, कौन सा बहू साथ में गई है?
चौथा नंबर गई, वो चौथा नंबर क्या भगवान का नाम भक्ति। हाँ देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, ये जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं ये भागवत कथा 7 दिन क्यों, ये परीक्षित महाराज जी कथा को 7 दिन क्यों सुने, 8 दिन नहीं, 9 दिन क्यों नहीं। हाँ एक छोटी सी कथा सुना, ये कथा को ध्यान से सुनना, बाद में फिर मैं पूछूंगा, जो नहीं बोल पाएगा ना बीच में खड़े कर दूंगा उसको, इसलिए इतने बढ़िया से सुनो। ये 7 दिन हम कथा क्यों सुनते हैं, ध्यान से सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राजा से मिलने के लिए आए, जब मिलने के लिए आए राजा राजकार जब बिजी थे, इतने में वहां पर जो दरबान था वो संत ने बोले राजा से मिलने आया हूँ, राजा को बोलो कोई संत मिलने आए हैं। राजा सोचे संत क्यों आए होंगे, हो सकता है कुछ भिक्षा लेने के लिए आए होंगे। तो उन्होंने 101 रुपया निकाल करके बोले संत को दे देना। संत भी बोले मैंने पैसा लेने नहीं आया, केवल 1 मिनट कोई जरूरी काम, केवल 1 मिनट राजा से बात करना चाहता हूं। राजा सोचे शायद 100 रुपया में मन नहीं भरा, तब 501 रुपया भेज दिए, लेकिन संत तब भी नहीं लिए। बोले तो मैं 1 मिनट मिलना चाहता हूं, तो 1100 रुपया भेज दिए, वो लिए ही नहीं। राजा बोले संत को बोल दो राजा राज कार्य में बिजी है, इनको पास में समय नहीं मिलने का। अभी राज संत दुखी होकर के रानी को पास में गए, वहां पर कोई दासी थी, बोले अंदर में रानी क्या है, बोले है। बोले रानी को बोलो कोई संत आए आपसे मिलने के लिए, कोई जरूरी काम है, 1 मिनट के बोले बात करना चाहते हैं। रानी सुनते तो बड़े खुश हो गए, बोले संत आए, बोले उनको घर में अंदर में बुला करके लाओ। रानी उनको आसन दे करके बैठाए, उनको प्रणाम की, प्रणाम करके बोले बाबा क्या सेवा करे। बोले रानी मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के राजा को पास में मिलने गया था, लेकिन राजा मेरे से मिले ही नहीं, बोले मुझे ही बोलो मैं सेवा कर दूं, क्या चाहिए। बोले महारानी आप ध्यान से सुने, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है कि जो राजा है ये 7 दिनों में मरने वाला, कितना दिनों में मरने वाले, 7 दिनों में ये मरने वाला। मैं इतनी सी बात केवल राजा को बोलना चाह रहा था, लेकिन राजा सुने ही नहीं। रानी सुन करके इतने दुखी हो गए, क्यों अभी अभी नई नई शादी हुई, अगर कोई बोल दे राजा 7 दिन में मर जाएगा बताओ क्या होगी। बोले बाबा आप क्या सच बता रहे हो, बोले ये ध्रुव सत्य है, मैंने अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा, इतना बोल करके राजा बाबा तो चले गए। इतने में रानी एक दासी को बोले राजा को जल्दी जल्दी बोलो, रानी अभी अभी कोई जरूरी काम के लिए बुला रही है। जब वो दासी जाकर के बोली ना देखो संत गिड़गिड़ाते हुए चले गए, राजा को पास में 1 मिनट नहीं मिला, लेकिन जब देखा रानी बुला रही है, नई नई रानी है, जब रानी बुला रही जब सुना ना, राजा तो सारे काम को छोड़कर वहां से भागे। जब भागे बोले रानी ऐसे कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुमने मेरे को याद की। बोले महाराज आपको पास में कोई संत मिलने गए थे। बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले हो। बोले मेरे पास समय नहीं था। बोले जब भगवान की कोई विशेष कृपा होता है, कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब भगवान की विशेष कृपा होता है जीवन में संत आते हैं, और आप बोले आपके पास में 1 मिनट भी नहीं मिला। बोले बताओ ना क्या बात है। बोले बात तो बड़ी जरूरी बात था, वो संत ने बताए उसने अपना दिव्य दृष्टि से देखा आप 7 दिन में मरने वाले हो, कितना दिन में, अगर कोई राजा अभी अभी नई शादी हो उसको बोल दो 7 दिन में मर जाओगे, क्या बोला बताओ, वो सुनते तो आधा ही मर जाएगा। बोले क्या बोल रहे हो 7 दिन में मरने वाला। बोले हाँ वो संत तो यही बताना चाह रहे थे। बोले संत गए कहाँ। बोले अभी अभी चले गए। बोले जल्दी जल्दी संतों को बुलाओ। जा करके संतों को बुला करके लाए, आसन दे करके बैठाए। राजा बोले बाबा आपके चरण में हमारी अपराध हो गई, हम तो कोई जरूरी काम लेकर के आए थे, आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाला। बोले हाँ। बोले क्या सच। बोले ध्रुव सत्य है, आप 7 दिनों में ही मरोगे। राजा तो घबराए। बोले कोई चिंता मत करो महाराज, आपने बहुत दान पुण्य किया है इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति। बोले हाँ। बोले सब कुछ तो सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन एक कमी है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब आप सोओगे ना वो मच्छर आपको काटते रहेंगे। बोले फिर। बोले कोई चिंता मत करो, वहां पर मच्छरदान का भी व्यवस्था है।
लेकिन एक चीज की कमी है, एक कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर क्या, अब जो मरोगे ना एक सुई धागा साथ में ले चलना। बोले सुई धागा साथ में ले जाएंगे? बोले हाँ। बोले कैसे, जब मरेंगे यहीं पर तो जला देंगे हमें, फिर सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले क्यों, इतना बड़ा राज्य तेरे पास में, कोई संत आए मिलने के लिए, इतने तू बिजी हो, तेरे पास में एक मिनट भी नहीं है जिस राज्य से, अब तू कहते हो सुई धागा भी नहीं ले सकते। बोले कैसे ले जाएंगे, यही तो जला दिया जाएगा। बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी बात समझाने के लिए आया था, ये जिस राज्य में तुम इतने बिजी हो, शरीर छूटते समय एक सुई धागा भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं, यही चीज मैं तेरे को समझाने आया था। बोले बताओ तो, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते है? बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले मतलब क्या है? बोले जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है वही सत्य है, इसके सिवाय जगत में सबके सब झूठा है। बोले महाराज ये बताओ, आप सत्य के लिए कितने समय दे रहे हो और झूठे के लिए कितने समय दे रहे हो? आप बताओ सत्य के लिए कितने समय दे रहे? कहते ना राम नाम सत्य है, सब कोई बात झूठा है। जब सब कुछ झूठा है उसको पीछे कितने समय दे रहे हो, जो सत्य है उसको पीछे कितने समय दे रहे हो? आपको मैं इतनी सी बात समझाने के लिए आया था, संसार से तुम्हारे साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं। महाराज ध्यान देकर सुनो, आप भी ध्यान देकर सुनो, ये बात में एक रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य ये है, संत ने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगी, उन्होंने ये नहीं बताया था। क्या बताया था, क्या बताया था संत ने, कितने दिन में मरोगे? 7 दिनों में। दिन कितना होता है? 7 ही है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, दिन 7 ही होता है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ेंगे ये 7 दिनों में एक ना एक दिन शरीर को हम छोड़ेंगे, 7 दिन में तो छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, उन्होंने ये नहीं बताया था, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, ये बताया था, क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे। इसका मतलब 7 दिन में जब मरेंगे एक ना एक दिन रवि हो सोम हो मंगल हो बृहस्पति हो, एक ना एक दिन हम उसमें शरीर छोड़ेंगे। लेकिन जब शरीर छूटेगा हमारी साथ में एक सुई धागा भी साथ में नहीं चलने वाले। जब ये संतन ये चीज समझाए ना, राजा तो आधा ही मर गया था लेकिन फिर जाना आ गया, क्यों? उसको पता चला भैया 7 दिन बाद में मैं नहीं मरूंगा, 7 दिनों में, ये 7 दिन के अंदर में जो मरूंगा एक ना एक दिन मरूंगा। दोबारा जिंदा आ गया, राजा की चेतनता आ गई, देखो मेरे तरफ में, राजा की जीवन बदल गया। वो संत ने राजा को एक माला और एक झोली पकड़े, बोले महाराज ये माला झोली को पकड़ो, इसमें जो भगवान की जो नाम है यही नाम ही अंत समय में हमारी काम में, केवल यही नाम ही आने वाले और कोई चीज भी तुम्हारे जीवन में काम नहीं आएगा। उनको एक माला झोली पकड़े, उसी दिन से राजा का जीवन परिवर्तन हो गया। बोले महाराज आप तो मेरे जीवन परिवर्तन कर दिया, मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान की। उन्होंने माला लेकर के जब जाते थे काम में जाने से पहले भगवान के नाम को जप करके जाते थे। कल बताया था ना लखपति कौन है, जो 1,00,000 नाम को जो जप करते वही असली लखपति है। इसलिए तब से राजा के जीवन परिवर्तन हो गया, भजन किया। हाँ देखो जीवन में भगवान का भागवत का जो सार है ठाकुर जी के नाम, इसलिए ये कथा को हम कितने दिन के लिए सुने? 7 दिन के लिए। 7 दिन मतलब क्या, परीक्षित महाराज के पास में तो 7 दिन था लेकिन हमारे पास में कितना दिन है कोई बता सकता है? एक जो श्वास हमने छोड़ा है, दूसरा बार भी श्वास ले सकते, कोई बोल सकता है हमारे पास में? नहीं बोल सकता है। इसलिए कहते कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब। इसलिए भगवान की भक्ति क्या करो जितने जल्दी से जल्दी, अभी कोरोना की तीसरी लहरी आ रही है, ये बच्चों को बता रही है, इसलिए भैया जितना जल्दी हो भगवान की भजन करो, भगवान की नाम करो और ये भवसागर से पार हो जाओ, क्योंकि घोर कलिजुग आने वाले, धीरे धीरे गिरिराज भी नष्ट हो जाएगी, गंगा जमुना भी चली जाएगी, हाय हाय घोर कलिजुग में मार मार काट काट शुरू हो जाएगी।
जितने जल्दी हो भगवान की भजन करके ये संसार से हम पार हो जानी चाहिए। ये मानव शरीर नहीं कति ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मानव शरीर मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंचे हैं। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके सबसे पहले सारे काम को पीछे रख करके सबसे पहले ये माला को लेकर के कुछ समय भगवान की भजन करो, और जीवन में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और चौथा जो चीज है, आपको सभी घर में ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किस किस घर में ठाकुर जी, हाथ उठाओ तो, किसको घर में ठाकुर जी की मंदिर है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए मीरा कहती है ना, घर घर है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे वृंदावना जी को। इसलिए घर में जरूर ठाकुर जी, घर घर में ठाकुर जी को हो पूजा हो, ठाकुर जी की आरती हो, ठाकुर जी की भोग लगे, घर घर में ठाकुर जी की पूजा जरूर आप लोग करो। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ये सत्य घटना है। बोले एक समय अयोध्या में कोई एक गुरु और चेले रहते थे। अभी गुरु जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। गुरु जी ने एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था रामदास। बोले रामदास कुछ दिन के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तुम ये भगवान का सेवा कर सकते हो। बोले गुरु जी अगर आपका आदेश हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से सेवा पूजा करना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। अभी गुरु जी चले गए, अभी छोटा बच्चा रोटी बनाई सब्जी बनाई ठाकुर को सामने धर दिया। बोले ठाकुर जी इसको सेवा करो, क्योंकि गुरु जी बोल कर गए अच्छे तरह से सेवा करना। लेकिन वो छोटा बच्चा था, उसने कभी देखा ही नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते हैं। सोचा जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे भोजन करेंगे। लेकिन जब ठाकुर जी को सामने थाला धर दिया, लेकिन ठाकुर जी भोजन ही नहीं किए, ठाकुर जी खाना नहीं खाए। लेकिन वो सोच रहा था ठाकुर तो उतर कर खाएंगे। बोले ठाकुर जी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि पिताजी बोल कर गए अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करना, अगर भोजन नहीं करोगे ना। ये सरजू है, ये अयोध्या की बात है, सामने सरजू बह रही है, फिर इसमें आत्महत्या कर दूंगा। वो जब आत्महत्या करने के लिए गए, भगवान का राम दरबार था, भगवान राम तो कांप उठे। बोले हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ बच्चे को पकड़ करके लाओ। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। हनुमान जी छलांग लगाने वाला था, इतने में हनुमान जी पीछे पकड़ लिए बच्चे को। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। बोले भोजन कर रहे हैं। बोले हाँ, सचमुच से आकर के देखा ना, भगवान राम भोजन कर रहे थे। उसको बाद में माँ जानकी भोजन की, लक्ष्मण शत्रुघ्न भोजन हनुमान किए, बाद में ये छोटा बच्चा ने भोजन की। जब दो चार दिन गया ना, छोटा बच्चा था, बोले ठाकुर जी हमसे इतना नहीं हो पाएगा, अकेले भिक्षा करके लाओ, लकड़ी लाओ जंगल से, रसोई बनाओ, पत्तल लाओ, खाना खिलाओ, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी मदद कर दो। भगवान राम बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले आप तो पिताजी हो, कम से कम दोना थोड़ा थोड़ा पत्ता बना दो इतना। बोले कोई बात नहीं बेटा मैं बना दूंगा। इतने में लक्ष्मण बोले बताओ मैं क्या करूं। बोले आप जंगल से थोड़ा सूखी लकड़ी ले आना। बोले भैया 14 साल तक तो यही काम किया है। इतने में माता सीता बोली, बोले मेरे को क्या करना पड़ेगा। बोले घर की माँ, माँ क्या करती है, रसोई बनाती है। बोले आप घर की रसोई आप बना। बोले बेटा मैं तो यही 14 साल के लिए किया, कोई बात नहीं मैं रसोई बना दूंगी। इतने में हनुमान जी बोले, बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले सारी चीज को रखवाली करना तुम्हारी काम। बोले भैया जिंदगी भर यही काम की। अभी वो केवल भिक्षा करके लाता है, माँ जानकी स्वयं बनाती है, स्वयं हनुमान जी देखभाल करते, लक्ष्मण लकड़ी लाते हैं। ए बढ़िया ठाकुर की सेवा चल रहा है। कुछ दिन बाद में भगवान गुरु जी की एक पत्र आया। बोले बेटा रामदास मैं अमुक दिन आ रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ संत लोग आएंगे, केवल एक टाइम के लिए व्यवस्था कर दो, मैं आकर के देख लूंगा। वो पत्र को पढ़ करके उन्होंने माता जानकी को दिखाया। बोले माता जी गुरु जी आ रहे हैं, कुछ संत भी साथ में आ रहे हैं, कहते के लिए एक टाइम के लिए व्यवस्था कर दो। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तू थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके आटा ले आना, मैं सब कुछ बना दूंगी। इतने में उसने गुरु जी को पास में पत्र भेजे। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, बढ़िया ठाकुर की सेवा चल रहा है, माता जानकी स्वयं रसोई बनाती, रोज रोज
बढ़िया बढ़िया भोग बनाती हैं और स्वयं राम पत्तल और दोड़े बनाते हैं, लक्ष्मण भैया सुखी सुखी लकड़ी ले आते हैं और हनुमान भैया तो सारे काम को कर देते। गुरुजी पत्र पढ़ करके बोली ये पागल क्या कर रहे, माता जाने की रसोई बनाती है, लक्ष्मण भैया लकड़ी लाते हैं, ये सब क्या है, उनको तो पता नहीं क्या हो रहे नहीं हो रहे। गुरुजी तो बड़े चिंता में जब आए सचमुच से देखा इतने प्रसाद बना हुआ पूरा घर में भरा हुआ, बोले इतने खाना कहां से। देखा सचमुच से माता जानकी घर की कोण में बैठी हुई, माँ जानकी स्वयं बना रही थी। जब उन्होंने गुरु जी को देखा माता जानकी थोड़ी सी मुस्कुरा दी और वहां पर अंतर ध्यान हो गई। तो गुरु जी ने पूछा बेटा ऐसे कैसे हो गया, बोले गुरु जी जब आप चले गए थे ना ठाकुर तो भोजन ही नहीं कर रहे थे, अरे मैंने आत्महत्या करने के लिए सरज में जा रहा था, हनुमान भैया पकड़ करके लाए, तब से है ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और बड़े सुंदर सेवा चल रहा है। इतने में गुरु जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले गुरु बोले तेरे जैसे चेले को मैं पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी जैसे तुम, बोलो जोर से सबरी जैसे। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तुम। इसलिए ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी समझ गए कि नहीं माता हूं। इसलिए घर में तुम्हारी जो ठाकुर है ना ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं ठाकुर को 15 दिन से कपड़ा पहनी हुई, हर रोज हम 2 बार अपना ड्रेस बदला रहे हैं, कहां जा रहे बैठ बैठ खत्म होना। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा, इसलिए ठाकुर को आत्मवत सेवा करनी चाहिए। मतलब कैसे, हम जैसे गर्मी का समय में जैसे हम लोग ठंडा चीज खाते हैं, ठंडा का समय में गर्मी चीज खाते हैं, जैसे अभी जैसे ठंडा का समय जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, इसलिए ठाकुर जी को भी वैसे, ठाकुर जी को भी वैसे सेवा करनी चाहिए। आप ठाकुर को जितने सुंदर आप सेवा करोगे देखना, ठाकुर जी अगर खुश रहे ना तुम भी खुश रहोगे जीवन में। अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है, घर में खूब पैसा आ रही, खुद खा रहे हो, ठाकुर जी को भूखा बैठा दिया, दिन में तुम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, दिन में रोज स्नान कर, तो ठाकुर को कितना दिन से स्नान नहीं किया, ऐसे नहीं करनी चाहिए। अपना जैसे खाते पीते सोते हैं ठाकुर जी को भी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। अगर ठाकुर जी खुश रहेंगे ना हम भी संसार में खुश रहेंगे, ठीक है। ठाकुर को खूब सेवा पूजा करो और खूब आनंद में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। हाँ देखो आज हम भागवत कथा को विश्राम दे रहे हैं, लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा क्या परम सुख चैन है ना, पूरे सुख चैन सचमुच से जो गांव ना बहुत बढ़िया गांव है, गांव का पता नहीं जिस लोगों ने ये गांव का नाम दिया है ना, लगता है कोई विद्वान व्यक्ति ने ये गांव को नाम दिया होंगे। अरे मैंने सुना पहले ये गांव में सचमुच से दूसरे काशी मानी जाती थी, सचमुच से वहां पर विद्वान लोग रहते हैं, नहीं तो ये गांव का जो नाम है ना पूरे सुख चैन, मतलब जो ये गांव पूरा सुख में जो रहते हैं, जो पूरा आनंद में जो गांव वाले रहते हैं, कितने बढ़िया नाम है ना, बढ़िया नाम है। इसलिए आप लोग ये ग्रामवासी में, ग्राम में जो भक्त लोग रहते हैं इनके लिए आप जोरदार ताली बजाओ जोर से। हाँ देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा हुई है, आप लोग बड़े सज्जन लोग हैं, ब्राह्मण लोग हो, इसलिए जो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हैं इनको परीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षित है। अगर ये परीक्षित नहीं होते, अगर सुखदेव गोस्वामी आते तो, अगर परीक्षित नहीं होता तो कथा हो सकती थी? बोलो बोलो कथा हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इसलिए जो कथा सुनने के लिए आते हैं इनको परीक्षित बचाया। इसलिए आप लोगों ने अपना घर का सारे सुख सुविधा को छोड़ करके यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटा जो आप बैठे हो, इसलिए आप लोग परीक्षित की स्वरूप है। इसलिए आप लोगों के लिए खूब जोरदार ताली बजाओ जोर से। हाँ ये जो श्रीमद् भागवत कथा है हमारी, देखो जो टीम आई हमारे साथ में वृंदावन से,
हमारे डोरीलाल प्रभु जी है कि आपको नचवाए, जितना जोर से आपको इनकी नचने में आनंद आया उतना जोर से ताली बजाओ। अरे हमारे श्री धनंजय प्रभु जी है भी ब्रजवासी, इन्हीं का अंगुल पर आपको नचाया उन्होंने, इन्होंने अपना अंगुल पर उन्होंने नचाया है। और हमारे देखो इस श्रीदाम भैया ढोलक को पीछे छुप रहे हैं, वैसे तो छोटे ही कर चुके, हाँ इसलिए उन्होंने हमारे साथ में बहुत सेवा करती है, हमारी साथ साथ में चलते हैं और हर तरह से ये सेवा करते हैं। एकदम छोटे बचपन में उन्होंने सब छोड़ करके भजन करने के लिए आए, और इनको पास में हमारे श्री पेड़ में जो बैठे हुए हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी, ये हम सबके साथ में हमारे ये तीन, इसलिए हमारी हर तरह से सेवा करते हैं ये लोग। और हमारे सामने जी जो बैठे हुए कौन, मधुकंठ, इनका नाम ही मधुकंठ, जो बड़े सुंदर भजन गाते हैं, अभी कथा सुनाए। और हमारे श्री गौरव सुंदर प्रभु जी कहाँ गए, ये गौरव सुंदर प्रभु जी बैठे हैं, हाँ आज इनको भी कथा बोलने का समय नहीं हुआ है इसलिए। और ये कथा में, हाँ देखो ये जो कथा में हमारे जो पंडित लोग बैठे हैं वहाँ पर, हमारे जो पंडित लोग 7 दिन तक मूल पाठ हमारे पंडित लोग ने किए हैं, हाँ वहाँ पर जो बैठे हुए है, अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हाँ कहते श्री जगदीश तिवारी, कौन श्री जगदीश तिवारी प्रभु जी है, हाँ देखो इन्होंने हमारे श्री मुख्य आचार्य श्री है, कहते श्री विनोद पांडे जी और जो डब्बू तिवारी जी, ये पूरे ही थे है। इन लोगों ने पूरा सवेरे आप लोग सुने होंगे, बड़े सुंदर संस्कृत भाषा में पूरी भागवत को, पूरी भागवत पढ़ते थे, और उन्होंने इनको बैठा करके विभिन्न पुराने समय सुन रहा था, गीता से, रामायण से, भागवत से, अच्छे से चुने चुने श्लोकों को ये लोग अच्छे तरह से पढ़ते थे, इसलिए इन लोगों ने हमारे जो ब्राह्मण धर्म को ये लोग रक्षा कर रहे हैं, कम से कम ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित होकर के सेवा पूजा को ये कर रहे हैं। ठाकुर जी भी इनको खूब भक्ति दे, शक्ति दे, इनको भी खूब शांति सुख इनको भी ठाकुर जी इनको प्रदान करे। कहते श्री, कहते हमारे ये जो भागवत कथा है इसमें जो मूल, जो इसमें जो उद्यक्त है कौन है, श्री लाल जी शुक्ला जी, कहाँ गए लाल जी शुक्ला जी, इधर आ जाओ। और उनका जो पत्नी है श्री देवकी शुक्ला जी, कहाँ है देवकी माता जी, खड़े हो जाओ देवकी माता जी, हाँ कहते देखो इन लोगों ने, इनका नाम ही देवकी है, हैं हमने सुना 8 बच्चे के बाद में ये देवकी जन्म हुई, जैसे कृष्ण जन्म हुए ना अष्टम बच्चा बन करके, इसलिए इनका नाम ही, इनका माता पिता माता ने इनको देवकी माता नाम रखे। और जी हमारे श्री लाल जी जो शुक्ला जी, इन्होंने देखो मेरे गुरु जी खुद कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं जो कोई धन की बल पर कर सकता है, कोई जन की बल पर कर सकता है कुछ काम, जो कोई मन की बल पर कर सकता है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, गुरु जी कहते थे न तो कोई जन बल से कर सकते हैं, न तो कोई मन बल से कर सकते हैं, न तो कोई धन बल से कर सकते, जब तक बांके बिहारी जी की, ठाकुर जी की, संतों की कृपा बल नहीं हो, कभी ये कथा को कोई कर नहीं सकते, कथा कोई सुन नहीं सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने पूरा दिल खोल करके है रोज रोज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की, सब संतों को रुकने के लिए व्यवस्था की, पूरा परिवार को उन्होंने, अपना परिवार को सबको उन्होंने कोशिश की बुलाने के लिए, जैसे भागवत कथा सबके सब सुने। लोगों के पास में तो बहुत लोग पास बहुत पैसा होता है, लेकिन ये पैसा को सब जो प्रयोग है ये करना बहुत बड़ी चीज है। इन लोगों ने सचमुच से पैसा को उन्होंने सद प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा रखाया। धुंधुकारी जैसे पापी, जिसको कहते 100 बार भी पिंड देने पर जिसको मुक्ति नहीं मिली, लेकिन ये भागवत कथा से ही मुक्ति मिली। केवल परीक्षित महाराज 7 दिन तक कथा सुनते सुनते उन्होंने भगवत धाम को उन्होंने विजय किया है, हैं? जिसको सुन करके व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ को रचना की, शांति नहीं मिली, लेकिन जब भागवत ग्रंथ को रचना की तभी शांति मिली। इसलिए भागवत से ही जीव को परम शांति, परम मुक्ति केवल इसी भक्ति भागवत कथा से ही मिलती है। इन्होंने जो दिल है, दिल से उन्होंने इतने हर तरह से उन्होंने तन मन धन से इन्होंने जो ये भागवत कथा रखा है, आप इनके लिए जितने जोर से हो सकते ताली बजा कर इनको स्वागत कर सकते हैं। क्योंकि ये कथा में देखो हम तो संत हैं, इसलिए हम जितने दूर कोशिश किया आप लोगों को प्रभु की भजन में लगाने के लिए, जितने दूर हो सके मैंने कोशिश की, गंदी चीज को छोड़ो
अच्छी चीज को अपनाओ, मैं जी जान कोशिश की। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर एक व्यक्ति का मन अगर प्रभु की भक्ति में लग जाए, हमारे गुरु जी के गुरु जी जिसने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म प्रचार की, केवल एक व्यक्ति को अगर किसी तरह से प्रभु का भजन में लगा दो, वो कहते हैं कोई करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल ले, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, अन्न क्षेत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में अगर लगा दो तो उससे करोड़ गुण पुण्य मिलेगी। वो कहते हैं इसमें जितने लोगों का मन भक्ति में लगा है, परिवर्तन हुई है, उसका पुण्य किसको मिलेगी? ये लाल प्रभु जी देव की देवी को मिलेगी है। इसलिए लोगों ने खूब दिल खर्च खोल करके, अभी कल भी भंडारा है, सबको दाल चावल सब्जी खिलाएंगे, परसों भी पूरा जितने गांव से सबके सब आ करके प्रसाद पाएंगे, सवेरे यहाँ पर यज्ञ भी होगी, पहले वैष्णव यज्ञ होगी, फिर उसको बाद में हमारे पंडित लोग भी यहाँ पर यज्ञ करेंगे। इसलिए ठाकुर जी इनको खूब भक्ति दे, खूब शक्ति दे और उनको खूब शांति सुख ये दोनों पति पत्नी को दे। वहां पर कौन है, ये दोनों को दो माला पहना दो इनको। हाँ, और इनका जो चार जो बेटे हैं, एक बेटा का नाम है चंद्र प्रकाश, कहाँ है चंद्र प्रकाश, और एक का नाम है वेद प्रकाश, और एक का नाम है अजय प्रकाश, और एक का नाम है विजय प्रकाश। बोलिए युगल सरकार की। ये चार भाई है, इनका जो पत्नी है कहते साधना शुक्ला जी, भावना देवी, प्रतिमा और रुचि शुक्ला जी। कहाँ है उनको बहू, ये सब इनके बहू सब कहाँ गई, कहाँ है बहू, ये सब कोई दिख नहीं रही अंदर में ही। हे भगवान, हाँ इसलिए प्रसाद, इसलिए इनको इनको जो भगवान भी इनको है ना पूरा बच्चों को भी बहुओं को भी अच्छी दी है, भावना दी। मैं इनको घर में रहा ना, ये चार के चार जो बेटे है ना भक्तिवान है, सबके सब हरिनाम की माला ली, कंठे में गले में तुलसी की कंठी ली, तिलक लगाई। इनका जो बहू है ना, लगता है इनका बहू लोग भी बड़ी संस्कारी है, इनका जो बहू लोग है ना ये बड़ी संस्कारी है। इनको हमने जैसे जैसे बताया हरिनाम करो, गले में कंठी धारण करो, ये सबके सब गले में कंठी और उन्होंने हरिनाम की माला ली है, हैं? माला लेकर के भले हम भी भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए कहते हैं वंश में अगर एक बेटा अगर प्रभु की भक्ति करे उसकी 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। नृत्यन्ति स्वर्गे, इनके पूर्वज लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं, वो वसुंधरा भी धन्य हो जाती हैं, वो पृथ्वी के ऊपर में जो जन्म लेते वो भी धन्य हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी इनके पूरे परिवार को शांति, बच्चों को शांति सुख दे। कहते इनका जो बड़े भाई है बिंदेश्वरी, कौन है बिंदेश्वरी भैया, बड़े भाई इनका बिंदेश्वरी कौन है बंद, हाँ ये भाई इनके बड़े भाई बिंदेश्वरी शुक्ला जी है। और इनका जो जीजा जी है गया प्रसाद मिश्र है, कहाँ है, और श्री कहते इनके से जगदीश प्रसाद पांडे, उनकी पत्नी अमिता दीदी, ये आए हैं कहाँ से, बम्बे से, कहाँ गए सबके सब, यहाँ पर ये लोग भी भागवत हमको भी बम्बे में भागवत कथा कराए थे, हैं? वो बोल रहे थे हर साल हम भागवत आप बम्बे कराएंगे, लेकिन इस बार की आप करोना आ गई ना इसलिए कर नहीं पाए। इन्होंने बहुत वहां पर एक प्रभु उनको द्वारा भी भागवत कथा कराए ये बम्बे में उन्होंने, और हम आने से पहले यहाँ पर आ गए। और हम लोग जितने संतों को बहुत प्यार प्रेम करते हैं, जब हम जाते हैं इनके घर में रुकते हैं, वहां पर भी हमने भागवत कथा की थी, है पहले वो जहाँ पर रहते हैं वहां भी हमने भागवत कथा की थी। और इनको जो भांजे हैं आदित्य प्रसाद मिश्रा और उनका पत्नी कहते कुसुमलता जी, कहाँ हैं कुसुमलता जी, हाँ, और विनोद मिश्रा उनकी पत्नी सरिता दीदी, कहाँ है विनोद मिश्रा, ये है नहीं आई ना, हाँ। इसलिए ये लोग भी 4-5 साल पहले कथा करवाए थे अपना गांव में, उसी समय में यहाँ पर एक बार मैंने आया था, हाँ 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 कुंभ में प्रयागराज वहां पर भी कथा करवाए थे इन लोगों ने। देखो ये लोग कोशिश करते हैं जो चीज हमने खाई है इनकी भावना है ये रस को सबके सब पिए, इसलिए ये सबको उत्साहित करते हैं, जो रस को हम पान कर रहे हैं भक्ति रस को आप भी पान करो। इसलिए वो कोशिश करते हर परिवार में कथा रहे, भगवान की भक्ति करे, प्रभु की भजन करे, इनकी जो भावना है। इसलिए इनका जो भानजा और रमाकांत कौन है, ये प्रभु जी श्री रमाकांत प्रभु जी, ये सुदामा भैया है। और जो इनका जो प्रभु जी का जो बेटी है कंचन त्रिपाठी, ये कंचन त्रिपाठी
यानी कि सारे बेटी भी भजन करते, बहू भी भजन करती है, ये तो पहले आकर के बड़ी हमारे लिए रसोई बना रही है, दिन रात इनकी है सबके सब रसोई बना रहे हैं, बहुत इन्होंने तन मन धन से हर तरह से सबकी ये सेवा करते हैं। और इनका जो साली है विद्यावती, विद्यावती कौन है, और बड़े भाई का बहू श्री उर्मिला शुक्ला, उर्मिला कौन है, उर्मिला शुक्ला जी कौन है, पद्मा और विद्यावती है। और हमारे हैं जैसे हमारे जो जो माइक वाले भैया कहाँ है, माइक वाले, हाँ माइक वाले चले गए, माइक वाले, इसलिए हमारे जो माइक वाले भैया बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे आ जाते हैं माइक वाले भैया, ये भैया इसलिए एकदम सवेरे सवेरे आ जाते हैं, माइक खोल देते हैं और भजन लगा देते हैं 5 बजे, और हमारे साथ में दिन रात, इनके लिए ताली बजाओ, ये सभी के लिए ताली बजाओ इनके लिए। और हमारे जो टेंट वाले भैया है कि नहीं, टेंट वाले भैया आए, टेंट वाले भैया इन्होंने भी अच्छे सुंदर टेंट लगाए। और हमारे जो प्रसाद बनाते हैं आप लोग रोज रोज जो बढ़िया प्रसाद आप लोग बनाते हैं भैया, वो भी बड़े सुंदर प्रसाद बनाते हैं, पति पत्नी, पति पत्नी है ना, हाँ उनको जो सेवा करते हैं बड़े सुंदर प्रसाद बनाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ठाकुर जी सबको भक्ति दे, शक्ति दे, और इनको सबको शांति सुख दे, और जो पूरे सुख चैन जो भक्त लोग हैं जो कथा सुनने के लिए आते हो आप लोग भी, आपको लिए सब ठाकुर का आशीर्वाद, भक्ति और शक्ति, ठाकुर आपको सब सुख शांति दे। और देखो नियम है, मैंने 7 दिन तक कथा सुनाई, मेरे को तो कुछ देनी चाहिए ना, आपको मेरे को क्या दोगे, आप मेरे को आशीर्वाद दो, क्या दोगे, हाथ उठा करके आशीर्वाद दो, ऐसे नहीं, क्या आशीर्वाद दोगे मेरे को, जैसे मैंने आपको जिंदगी भर साधु संत की सेवा कर सकूं, आप लोगों की मैं सेवा कर सकूं, यही आशीर्वाद आप लोग मुझको देना, और मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, और भक्ति में जितने बाधा सब दूर हो जाए यही आशीर्वाद हमें आप लोग कृपा करके देना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुख चैन वासी के भक्त वृंद की जय, कथा में आने वाले भक्त वृंद की जय, कथा सुनने वाले भक्त वृंद की जय। मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं, आपके बारे में, मेरे बारे में क्या, मैं खुद बोल दिया, जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ देखो अभी आप लोग सही प्रसाद लेकर जाना, कल यहाँ यज्ञ है हमारे वैष्णव यज्ञ, कितने बजे होगी, कितने बजे, सवेरे सवेरे 7:30-8 बजे ये एक वैष्णव यज्ञ होगी, तो ध्यान देकर सुनो, जो यज्ञ हमारे साथ में जो प्रभु जी आए श्रीकांत प्रभु ये यज्ञ करेंगे, उसमें नरसिंह कवच का यज्ञ है, नारायण कवच का यज्ञ है, उसमें इतने शक्ति है, जैसे किसको ऊपर काल सर्प की जो किसको अंदर में घर में दुख कष्ट है, वो जैसे नरसिंह भगवान समस्त दुख से प्रहलाद को दूर किया, अगर उसमें कोई आहुति डाले ना आपका जीवन का सब दुख दूर हो जाएगी, जैसे नारायण कवच है इंद्र के ऊपर जो विपत्ति पड़ी थी ये नारायण कवच को पढ़ करके इंद्र को भी विपत्ति से मुक्ति मिली। कल जो सवेरे 8 बजे जो यज्ञ होगी, अगर कोई चाहते हो घर से थोड़ा हवन सामग्री थोड़ी घी ला सकते हो, नहीं तो वैसे ही आओ, अगर ला सकते हो तो अच्छी बात है, कुछ अगर ले करके आओगे, अगर घर में कोई दुख कष्ट हो आप उसको उपलक्ष्य में आप आहुति दे सकते हैं अगर जो चाहते हो, ठीक है। इसलिए अभी भागवती की आरती होगी, इसलिए आप लोग सबके सब, हाँ हाँ अब आरती को बाद में, यहाँ पर जो चावल लाए हो मैं बाद में आपको थोड़ा थोड़ा मैं चावल दूंगा यहीं से, आप थोड़े थोड़े चावल ले जाना, ले करके लाल कपड़े में बांध करके एक सिक्का रख करके मंदिर में रख लेना, इसको रखने से माँ लक्ष्मी की बड़ी घर में कृपा होती है, जैसे सुदामा 2 मुट्ठी चिड़वा दिए ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, अगर और किसी की अगर इच्छा होगी हम माला लेकर के जप करना चाहते हैं, आज तो अड़ोसी पड़ोसी से कुछ आए और माला लेकर गए भजन करते हैं, इसलिए अगर आप किसकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, आप भी जप करो परिवार को भी जप कराओ, क्योंकि जिस घर में प्रभु की भजन करते हैं वही वृंदावन धाम है, इसलिए हम चाहते हैं घर घर भजन करे, आपकी घर घर ही वृंदावन का धाम आपके घर बन जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ Thank you.
दक्षिणा देनी चाहिए नियम है, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए कोशिश करना कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी। हाँ बोलो रंग डारो ना, गोपी कैसे ये बनेगा? और कन्हैया बोला, ये ना रंग डारो ना।